झाबुआ पुलिस को अवैध शराब के खिलाफ बड़ी सफलता मिली है, जिसमें पुलिस ने अवैध शराब से भरे 4 कंटेनरों को जब्त किया है। बताया जा रहा है कि शराब से भरे कंटेनर गुजरात जा रहे थे, इस दौरान पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। दरअसल पिटोल चौकी पुलिस को सूचना मिली थी कि कंटेनरों में शराब ले जाई जा रही है। सूचना के आधार पर पुलिस ने घेराबंदी कर कंटेनरों को पकड़ा और कंटेनरों की तलाशी ली गई तो सभी के होश उड़ गए, क्योंकि कंटेनर में विलायती शराब से भरी हुई थी। सभी कंटेनर राजस्थान पासिंग है। साथ ही बताया जा रहा है कि यह शराब गुजरात ले जाई जा रही थी। वहीं किसी भी कंटेनर से कोई दस्तावेज या परमिट नहीं मिली है। ऐसे में पुलिस ने सभी कंटेनरों को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। इसमें अभी जो है जो कोतवाली थाना अंतर्गत पेट्रोल चौकी है, उसमें जो है नेशनल हाईवे से जो है 4 कंटेनर जा रहे थे, उनको चेकिंग की गई थी। चेकिंग के दौरान इनसे जो है कागजात के संबंध में पूछा गया क्या ले जा रहे हैं। सब लोगों ने जो है किसी प्रकार के कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किए थे, और जो चेक करने पर आपके द्वारा सामने देख सकते हैं कि मतलब कार्रवाई चल रही है। चेक करने पर पता चला कि इनके द्वारा जो है अवैध रूप से जो है शराब लेकर के जा रहे थे। तो 4 कंटेनर चेक करने पर अभी मिले हैं, और इसमें कितनी मात्रा में शराब ले जाई जा रही है ये प्रोसेस अभी सर ये शराब की अभी ये इन्वेस्टिगेशन में हम लोगों से पूछताछ करेंगे। अभी तो हमारे को चेकिंग करने पर पता चला है कि मतलब इसमें जो है इनके पास में किसी प्रकार का कोई दस्तावेज नहीं था कि शराब कहाँ से ला रहे थे, कहाँ ले जा रहे थे, ये आपका पूछताछ करने पर ही पता चला। चेक करने पर किसी प्रकार का कोई परमिट इनके ड्राइवर के द्वारा नहीं बताया गया है, ना ही कोई प्रकार का डिजिटल फॉर्म में, ना ही हार्ड कॉपी में। कोई इसके पास जो शराब ले जा रहे थे इसके संबंध में कोई दस्तावेज इनके पास होना नहीं बताया। ऐसी कार्रवाई चलती रहेगी।